हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वायरल वीडियोस। तो इस चैनल पे अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने मल्टी बैगर पैटर्न के बारे में सीखा, हमने निफ्टी 20 के बारे में सीखा, हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा, काफ़ी सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करी, ट्रेंड लाइन बनाना सीखा, एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत अच्छा टूल जो फिबोनाची के नाम से जाना जाता है, हमने उसके बारे में सीखा। अभी हम इस वीडियो में और आने वाले इस वीडियो के कुछ पार्ट्स में, पांच पार्ट की ये सीरीज़ है, इसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स से स्टार्ट करके प्राइस एक्शन को सीखेंगे। तो प्राइस एक्शन हमारे को सबसे एडवांस में बताता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। प्राइस एक्शन यानी कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स और हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में और इसके आने वाले कुछ पार्ट्स में। तो अगर हम इस चार्ट की बात करें, हम जो भी सीखेंगे इस चैनल पे हम लाइव चार्ट के थ्रू, अपने रियल चार्ट के थ्रू सीखेंगे। कुछ भी थ्योरी में अगर हम सीखते हैं तो उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हमारे को वो नहीं समझ में आता है। तो अगर हम लोग रियल चार्ट पे स्टडी करेंगे तो हमारे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मैंने आपके सामने एक निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, ये लाइन चार्ट है। आप देखोगे कि आपको लाइन चार्ट क्या बता रहा है, लाइन चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट नीचे आई, ठीक है। मगर अगर हम यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट खोलें, जो हम कैंडलस्टिक्स को यूज़ करते हैं, ये जैपनीज़ कैंडलस्टिक्स कहलाती है मेरे फ्रेंड्स। और जैपनीज़ कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ते हैं आपको मालूम ही होगा, मगर फिर भी नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। अगर आप इस कैंडल की बात करें फॉर एग्जांपल, तो कैंडलस्टिक्स में जो कैंडल का हाई होता है वो उस ड्यूरेशन का हाईएस्ट प्राइस बताता है, जो कैंडल का लो होता है उस ड्यूरेशन का लोएस्ट प्राइस बताता है। जो कैंडल की बॉडी होती है, रियल बॉडी, ये वीक होता है, ये बॉडी होती है, तो बॉडी का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो क्लोजिंग पॉइंट बताता है, जो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो ओपनिंग प्राइस बताता है। अगर कैंडल ग्रीन कलर की है तो, अगर रेड कैंडल है तो हाईएस्ट पॉइंट हमारे को ओपनिंग प्राइस बताएगा, लोएस्ट पॉइंट हमारे को क्लोजिंग प्राइस बताएगा। तो अगर हम इस कैंडल की बात करें, ग्रीन कैंडल की, तो इससे हमारे को ये मालूम पड़ता है कि इस वीक के अंदर, ये जो वीक था इसके अंदर मार्केट की ओपनिंग हुई थी इस पॉइंट पे लगभग 10,985 पे, ये राइट साइड पे प्राइस लिखा हुआ है। मार्केट ने पूरे वीक के दौरान लो बनाया था कहीं ना कहीं 10,670 का, हाई बनाया था 11,400 का और क्लोजिंग करी थी 11,270 पे। तो इस कैंडल से हमारे को क्या समझ में आया, इस कैंडल से हमारे को ये समझ में आया कि हालांकि कैंडल ग्रीन बनी, क्लोजिंग भी जो है ओपनिंग से आप ऊपर हुई, लेकिन जो प्राइस था पूरे वीक के दौरान काफ़ी नीचे तक गया था। इनफैक्ट अपनी ओपनिंग से वो लगभग आप देखेंगे 400 पॉइंट नीचे गया था। इसका मतलब ये एक बेयरिशनेस को बताता है कि भाई बेयर्स का कंट्रोल था कहीं ना कहीं पे। और उसी के सामने अगर हम इस तरह की किसी कैंडल को देखेंगे, जो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ये हमारे को ये बताती है कि मार्केट जहाँ ओपन हुई वही उसका हाई था, उसके बाद जहाँ पे क्लोज हुई वही उसका लो था, यानी पूरी कैंडल के दौरान बेयर्स ने ही कंट्रोल को बनाए रखा। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि बेयरिशनेस काफ़ी हाई थी और उसके आने वाले टाइम में हमने देखा कि उस कारण से मार्केट और नीचे गई। तो अगर हम कैंडल्स को सही से पढ़ना सीख जाएँ, हम प्राइस एक्शन को पढ़ना सीख जाएँ और इसके आगे एडवांस लेवल्स में हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना सीख जाएं, इंडिकेटर्स को यूज़ करना सीख जाएं, तो ये सबसे एडवांस में हमारे को मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में बता सकता है। तो प्राइस एक्शन को हम सीखेंगे इस वीडियो में और इसके आने वाले पार्ट्स में। तो अभी तक मैंने आपको बताया जैपनीज कैंडलस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लाइन चार्ट की, लाइन चार्ट ने हमें बताया कि मार्केट सीधा नीचे गई, वहीं कैंडलस्टिक ने हमारे को ये बताया कि लास्ट वीक मार्केट लगभग अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ओपनिंग था 7900 और क्लोजिंग हुई 8600, यानी मार्केट लगभग 700 पॉइंट ऊपर गई। लाइन चार्ट हमारे को ये नहीं बता रहा था, लेकिन कैंडलस्टिक ने हमारे को ये बताया। इसके हिसाब से, कैंडलस्टिक के हिसाब से मार्केट में बियर्स का कंट्रोल कम हुआ और बुल्स ने वापस कंट्रोल हासिल किया। तो अगर हम कैंडलस्टिक्स की बात करें तो कैंडलस्टिक्स में काफ़ी सारे जो कैंडल्स होते हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि डोजी होती है, मारुबोजू कैंडल्स होते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे हैमर्स के काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस होती है, इन्वर्टेड हैमर होता है। तो काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी सारे कैंडल्स होते हैं। अगर हम डोजी की बात करें तो डोजी उस कैंडल को कहते हैं जिसका जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है लगभग सेम रहता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डोजी कैंडल है। ये मार्केट की इनडिसिसिवनेस को बताता है, क्योंकि अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो जहाँ ओपन हुआ वहीं पे मार्केट क्लोज़ हुआ, तो कोई भी डिसीजन नहीं आया मार्केट में उस वीक के दौरान।
उसके अलावा अगर हम मारुबोसो कैंडल की बात करें तो उसको कहते हैं जिसमें बॉडी तो काफ़ी बड़ी होती है लेकिन विक जो है ना के बराबर या फिर बहुत छोटा होता है। जैसे कि ये कैंडल, ये जिस भी कलर की कैंडल होती है ये हमें बताता है कि उसका पल्ला भारी था। जैसे ये रेड कैंडल है तो ये बताती है कि मार्केट में काफ़ी डिसाइसिवली बियर्स का पल्ला भारी था, बुल्स मार्केट को बिल्कुल भी ऊपर नहीं ले जा पाए। एक बियरिश मारुबोसो कैंडल थी जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी थी और विक्स जो थे बिल्कुल ना के बराबर थे, और ऊपर की साइड कोई विक नहीं है, नीचे छोटा सा विक है। तो ये एक मारुबोसो कैंडल है, तो ये मार्केट को डायरेक्शन देती है। अगर मारुबोसो कैंडल हमारे को दिखे कहीं पे बड़ी सी अच्छी सी ग्रीन या रेड, तो हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में बेयरिशनेस आ सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा हम पीछे कहीं पे देखें तो जैसा हमने देखा ये एक ग्रीन कलर की मारुबोसो कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। और हैमर्स जनरली जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है वहाँ पे बनते हैं। जैसे ये एक उल्टा हैमर है, थोड़े जैसा आपको दिखेगा उल्टा ये कैंडल, तो ये बताता है कि अब ट्रेंड एक रिवर्सल होने वाला है। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रही है और आपको हैमर दिखाई दे तो वहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड में रिवर्सल आएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर हम इस कैंडल को देखें ध्यान से तो ये हमारे को क्या बताती है? ये हमारे को ये बताती है कि लगभग लगभग ओपनिंग और क्लोजिंग तो एक ही समान हो, ये ग्रीन भी हो सकती थी रेड भी हो सकती थी, मगर ये एक हैमर ही कहलाती। तो हमारे को इसने ये बताया कि हालांकि वीक के दौरान बुल्स ने प्राइस को ऊपर तो लेके गए लेकिन बियर्स की पावर इतनी थी कि वो वापस उसको कहीं ना कहीं नीचे क्लोज कराने में कामयाब हो गए। तो अगले वीक हमने देखा कि बियर्स ने अपना जो पड़ला था उसको वापस भारी किया, गेन किया अपनी पावर को और मार्केट को नीचे खींच के वो ले आए। उसी तरह डाउन मूव के एंड पे एक और हमें हैमर दिखाई दिया। ये मैंने आपको पहले ही बताया ये ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक हैमर बना। इसने हमें क्या बताया? इसने हमें ये बताया कि हालांकि बियर्स का जो ट्रेंड था बियरिश था, बियर्स का पलड़ा भारी था, मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन बुल्स ने वापस गेन कंट्रोल वापस अपना हासिल किया और मार्केट को कहीं ना कहीं ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग कराने में कामयाब रहे। तो जैसे ही उसकी अगली कैंडल एक ग्रीन बनी, हम मान के चल सकते हैं कि अब बुल्स ने पावर हासिल कर ली है, बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली है, मार्केट को ऊपर ले जा सकते हो। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर चली गई। तो सिंगल एक कैंडल को देख के हम कभी भी मार्केट के डायरेक्शन को नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम कुछ कैंडल्स को एक साथ देखें, चार्ट को एक साथ देखें, लार्जर व्यू को देखें, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे अभी हम वीकली चार्ट पे बैठे हैं, अगर हम इसको डेली पे जाके एनालाइज करें, इसके साथ में हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करें, वॉल्यूम्स का डाटा देखें, तो हम मार्केट की काफ़ी क्लियर कट पिक्चर बता सकते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, काफ़ी अच्छे से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे को प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए। तो आने वाले पार्ट्स में हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे, कैंडल स्टिक के बाद चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि वॉल्यूम के एनालिसिस कैसे करते हैं, किस टेक्निकल इंडिकेटर को किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे तो हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बहुत सारे लोग सिखाएंगे, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स के कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं। हर इंडिकेटर हमारे को हर एक स्टॉक के लिए और हर एक टाइम फ्रेम के लिए सही काम नहीं करेगा। कोई इंडिकेटर वीकली चार्ट पे अच्छा काम करता है तो कोई इंडिकेटर आपको आवरली चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे अच्छा काम करके देगा। उसी तरह आपको अगर कोई स्टॉक में हो सकता है कि स्टोकेस्टिक RSI अच्छा काम करे तो किसी और स्टॉक में हो सकता है आपको डाइवर्जेंस से अच्छी मदद मिले। तो हम आने वाले पार्ट्स में अच्छी तरह फुल डिटेल में इन सब के बारे में बातें करेंगे और समझेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक मार्केट को फ्री में लर्निंग के लिए और आने वाले मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।